हाँ जी, आज हम चैप्टर 8 करेंगे, एक्सरसाइज 8C करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा है, क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन मैथ की बुक है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है जो कि है 7a-4b-, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है 5a-3 कर्ली ब्रैकेट इंटू कर्ली ब्रैकेट b-2 a-b ब्रैकेट क्लोज है, कर्ली ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 7a-4b इसी तरह लिखेंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट भी इसी तरह लिखनी है 5a-3 कर्ली ब्रैकेट बी माइनस, अब इस 2 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2a-2b ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, फिर 7a-4b माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5a-3 कर्ली ब्रैकेट बी माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन हमारे हो जाएंगे चेंज। ठीक है, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, और स्क्वायर जो स्मॉल ब्रैकेट है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं कि 7a-4b है माइनस 5a-3, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, बी वाली लाइक टर्म्स हैं और ए वाली अनलाइक यानी ए वाली अलग टर्म है उसको साइड पे कर देते हैं। ये आ जाएगा 7a-4b माइनस 5a-3 कर्ली ब्रैकेट, ये आ गया 3b और ये आ गया -2a कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। फिर आपने क्या करना है 7a-4b, अब हमने कर्ली ब्रैकेट को खत्म करना है तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -9b और ये आ जाएगा +6a और ये आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 7a-4b माइनस सेम टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं यानी 5a लाइक टर्म्स को 5a +6a -9b। ठीक है, b के साथ कोई भी नहीं है वो अलहदा हो गया। ठीक है, 7a-4b माइनस 6, 7, 8, 9, 10, 11 ही आ गया, -9b आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 7a-4b ब्रैकेट है उसके ब्रैकेट को खत्म करना है, बाय माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 9b। अब हमने क्या करना है कि a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर देना है, b वाली को इकट्ठा कर देना है, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये आ गया -4a और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये आ गया +5b। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही स्मूथली ये सॉल्व हो जाते हैं, अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने केयरफुली वन बाय वन स्टेप को किया है, एक एक स्टेप को करेंगे तो आपकी जो है इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि कौन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है और किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो को देख सकें और उनको फायदा हो। ठीक है, और एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। ठीक है, इसके अलावा मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं जो कि क्या है, a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है b माइनस सी प्लस a माइनस कर्ली ब्रैकेट b माइनस स्मॉल ब्रैकेट है c माइनस a माइनस a माइनस b के ऊपर बार है, ब्रैकेट क्लोज हमने तीनों की तीनों कर दी है। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पर क्या है, बार पहले है तो बार को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, सारी टर्म्स को मैं इसी तरह लिख दूंगी जैसे लिखी हुई है, सब कुछ मैंने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से टर्म शुरू है, इस के ऊपर भी बार है तो इससे पहले यहाँ पर नेगेटिव है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी, ये बार खत्म हो जाएगी, ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस कर्ली ब्रैकेट बी माइनस, अब यहाँ पे सी और ये वाले आपस में हो गए, माइनस टू ए प्लस बी कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस कर्ली ब्रैकेट बी, अब इस ब्रैकेट को खत्म करते हैं, बाय माइनस का साइन है, अंदर साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप फिर वही होता है, हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, बी के साथ बी आ गया, सी अलहदा और टू ए के साथ भी कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस सी प्लस टू ए कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, a माइनस बी माइनस सी
प्लस ए माइनस कर्ली ब्रैकेट के बाय माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस सी माइनस टू ए, कर्ली ब्रैकेट को खत्म कर देना है और उसके अब ब्रैकेट रह गई ए माइनस। अब यहाँ पे देखें बी के साथ यहाँ पे कोई और टर्म नहीं है, इसी तरह हमने सी लिखना है, सी के साथ लिखी और फिर हमने ए के साथ लिखा, ठीक है। अब ये और आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया ए माइनस बी और ये आपस में माइनस हो रहे हैं, माइनस ए आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट को भी खत्म करना है, इसके बाद माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ए और ए को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया टू ए माइनस बी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। और जाने से पहले फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और दूसरा आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है।